हेलो अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों, डेली न्यूज सीमांचल से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज है 27 जुलाई 2019। तो आज के सीमांचल सहित पूरे बिहार के टॉप 20 न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का न्यूज स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक कारों पर बिहार सरकार रोड टैक्स में 50% की छूट देगी। यदि 10 लाख की इलेक्ट्रिक वाहन है तो उसमें से 50,000 रुपए की छूट मिल जाएगी। साथ ही इन वाहनों की नंबर प्लेट पर्यावरण सुरक्षा को दर्शाने वाले हरे रंग की होगी। प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा देने और प्रदूषण मुक्त शहर की सोच के साथ गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इलेक्ट्रिक कार से अपने निवास एक अन्य मार्ग से विधानसभा पहुंचने के साथ ही राज्य में इलेक्ट्रिक कारों की परिचालन की शुरुआत हो गई है। नेपाल और बिहार के कई इलाकों में मानसून की बारिश के साथ उत्तर बिहार, कोसी और सीमांचल में बाढ़ का कहर फिर से गहरा गया है। नए इलाकों में पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी है। बांध, पुल, सड़क टूट रहे हैं तो घर भी गिर रहे हैं। उत्तर बिहार में शुक्रवार को भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आज 27 जुलाई है, आज भी नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने विधान परिषद में कहा कि उनके पास कोई भी अवैध संपत्ति नहीं है। यदि राजद के सदस्यों को ऐसा लगता है तो वो नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि उनके पास कोई अवैध संपत्ति होगी तो उन्हें राबड़ी देवी लालू परिवार के नाम कर दिया जाएगा। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि देश विदेश में मेरे पास अवैध संपत्ति होने का आरोप गलत है। बिहार के सासाराम जिले के दावत थाना क्षेत्र के मलियाबाग में बच्चा चोरी के आरोप में दो महिलाओं को पकड़कर भीड़ द्वारा जमकर पिटाई कर दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने भीड़ से उन दोनों महिलाओं को निकालकर इलाज के लिए PHC भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा महिलाओं को बचाने को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर भी पथराव किया है। बिहार की सियासत के संदर्भ में हाल ही में 3 खबरों ने सबका ध्यान खींच लिया है। पहला, जब लोकसभा में 3 तलाक बिल का विरोध करते हुए JDU ने वोटिंग का बहिष्कार किया। दूसरा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार RJD के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर जाकर अकेले में आधे घंटे तक मुलाकात की। और तीसरा, RJD के अल्पसंख्यक चेहरा माने जाने वाले अशरफ अली फातिमी 28 जुलाई को JDU में शामिल होने की खबर। राजनीतिक जानकारों का माने तो ये नीतीश कुमार की एक लंबी राजनीति का हिस्सा है। राजनीतिक जानकारों का माने तो नीतीश कुमार के निशाने पर अल्पसंख्यक वोटर हैं जो अपने हिस्से में करना चाहते हैं। बिहार के दरभंगा जिले के क्योटी प्रखंड के लालाचोड़ चौक के पास बाढ़ का पानी में टिकटॉक के लिए स्टैंड कर वीडियो बनाना एक युवक को इतना महंगा पड़ गया कि उसकी जान ही चली गई। दरअसल 3 दोस्त कासिम, अफजल और सितारे यूं तो सदर प्रखंड के अदलपुर के रहने वाले थे, लेकिन बाढ़ का पानी को देखने के लिए KOT के लालाचोर पहुंच गए। बाढ़ के पानी को देखकर सभी ने तेज धार में पानी में खतरनाक स्टैंड करके मोबाइल से तस्वीर लेने लगे, पर इतने में उनका मन नहीं भरा तो टिकटॉक के लिए अलग अलग तरह के खतरनाक स्टैंड कर वीडियो बनाने लगे। इस खतरनाक स्टैंड करने में अफजल की बाढ़ के पानी में डूबने से इस दुनिया से चले गए। JDU ने 3 तलाक बिल का विरोध तो किया, लेकिन सरकार के खिलाफ वोटिंग नहीं की। लोकसभा में 3 तलाक बिल 2019 पर चर्चा हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 तलाक बिल का विरोध करने का ऐलान किया था, फिर भी JDU ने सदन में वॉकआउट करने का फैसला किया। हालांकि चर्चा के क्रम में लोकसभा में JDU के नेता ललन सिंह की केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और RK सिंह से नोकझोंक हुई। ललन सिंह ने कहा कि पति पत्नी का रिश्ता आपसी सहमति और आपसी विश्वास से होता है, ये रिश्ता किसी कानून से नहीं होता है। समाज सिर्फ संविधान से नहीं चलता है, समाज रीति रिवाज और परंपरा से भी चलता है। ललन सिंह ने कहा कि इस पर कानून बनाने के बजाय मुस्लिम समुदाय को खुद इस पर फैसला करने देना चाहिए था। बिहार में बाढ़ से जान माल की क्षति तो होती ही है, इसका दूरगामी मनोवैज्ञानिक असर पर भी गंभीर होता है। बाढ़ के बाद बाढ़ से प्रभावित लोगों के पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की चपेट में आने से खतरा बढ़ जाता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बाढ़ जाने के बाद मनुष्य के शरीर में एक खतरनाक बीमारी होता है। शुरुआती दौर में इसके लक्षणों का पता नहीं चल पाता है। साल 2017 में मनोवैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा किए गए सर्वे में समस्या की गंभीर उजागर हुई थी। हैरत की बात यह है कि बाढ़ ग्रस्त इलाकों में इस ओर सरकार और प्रशासन की कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस बीमारी से ग्रामीणों का इलाज कैसे होगा। विपक्ष के विरोध के बीच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिल 2019 विधानसभा से गुरुवार को पारित हो गया। अब इस बिल पर राज्यपाल की सहमति ली जाएगी। इसके बाद बिहार विद्यालय समिति का नया कानून राज्य में लागू हो जाएगा और 1952 का इसका बना हुआ कानून निरस्त हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। बिहार के गोपालगंज जिले में बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से महज 12 घंटे में ही 2 लोग करंट लगने से बिजली की चपेट में आ गई है। घटना सिदोलिया के विष्णुपुर और बखोर बाजार की है। घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश है। बिहार के सुपौल जिले में पॉलिटेक्निक का एक छात्र 10 दिनों से लापता है। काफी ढूंढने के बाद भी इसका पता नहीं चल पा रहा है। परिजन परेशान हैं और पुलिस वाले से मदद मांग रहे हैं, लेकिन आरोप है कि 3 थाने में आवेदन देने के बाद भी पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
बार और बारी से BRA बिहार विश्वविद्यालय के पार्ट वन में दाखिला खटाई में पड़ गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन बाढ़ की स्थिति में सुधार होते ना देख टेस्ट की तिथि तय नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण 1.5 लाख छात्र छात्रों का भविष्य अंधेरे में अटका हुआ है। फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन टेस्ट को लेकर सेंटर की तैयारी में जुट गया है। बिहार में बाढ़ की चिंता प्रकट करते हुए आदिल हुसैन, पंकज त्रिपाठी और शत्रुघ्न सिन्हा जैसी बॉलीवुड की नामी गिरामी हस्तियों ने हर साल बाढ़ के अस्थायी समाधान की मांग की है। बिहार के 12 जिले में बाढ़ से 100 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ गई है और 80 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बिहार में हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये वक्त एक दूसरे पर दोष करने का नहीं है। ये समाधान, राहत और मुआवजे का समय है। लोग सड़कों पर आ गए हैं और न्यूनतम या बिना किसी सुविधाओं से राहत शिविरों में रह रहे हैं। आदिल हुसैन ने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी समस्याओं से निजात पाने के लिए देश में कोई ठोस योजना नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में कहा कि बाढ़ पीड़ितों को बिहार सरकार हर संभव मदद कर रही है। हमने केंद्र सरकार से भी जल्द सहयोग करने को कहा है। अभी बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत देने का काम बिहार सरकार ही कर रही है। केंद्र सरकार से मदद के लिए मेमोरेंडम भेजा जाता है, जिसकी तैयारी चल रही है। इसके बाद केंद्र से एक टीम आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के आकलन के लिए बिहार आएगी और वह टीम सहयोग राशि देने पर फैसला करेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जो बाढ़ प्रभावित इलाका है वहां पूरा सीजन खतरा बना हुआ रहता है। जो भी प्रयास किए जा सकते थे वो किए जा रहे हैं। जो पहले से आकलन किया गया था उसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ये दुष्प्रभाव इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड बाढ़ प्रभावित है। बाढ़ के वजह से सड़कें जगह जगह टूट गई है, जिससे गांव के संपर्क टूट गया है। ग्रामीणों ने टूटे सड़कों को पार करने के लिए जगह जगह चचरी का पुल बनाया है। कोई और साधन ना होने के चलते लोग जान जोखिम में डालकर चचरी पुल पार कर रहे हैं और कई बार हादसे का भी शिकार हो रहे हैं। सुबह को कुसमहा पंचायत में ऐसे ही एक हादसा हो गया है। फारबिसगंज के कुर्साकांटा जाने वाली सड़क गुरुवार रात पानी के तेज बहाव में कट गई थी। शुक्रवार सुबह गांव के लोगों ने श्रमदान कर चचरी का पुल बनाया और उसी पर चलते हुए सड़क पार करने लगा। इसी दौरान एक युवक बाइक को लेकर पुल पार करने लगा। वह जैसे ही बाइक को लेकर चचरी पुल पर चढ़ा तो पैर की वजन की वजह से चचरी पुल एक तरफ झुक गया। इसके चलते युवक ने संतुलन खो दिया और बाइक लेकर पानी में जा गिरा। हालांकि पुल के पास लोगों ने किसी तरह उनको बचाया है। SSC ने MTS 2019 की परीक्षा की तारीख घोषित कर दिया है। परीक्षा 2 अगस्त से 22 अगस्त तक चलेगी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी, यानी कंप्यूटर से परीक्षा ली जाएगी और 90 मिनट तक चलेगी। कुल 3 शिफ्टों में परीक्षा होनी है। पहली शिफ्ट 9 से 10:30, दूसरी शिफ्ट 12:30 से 2 बजे के बीच होगी और तीसरी शिफ्ट 4 बजे से 5:30 बजे तक चलेगी। बिहार में अपराधी किस कदर बेखौफ हो गए हैं, इसकी बानगी छपरा और भागलपुर में देखने को मिला। दोनों जगहों पर लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया और कुल 10 लाख रुपए लूटे गए। छपरा में तो अपराधियों ने कपड़ा व्यवसायी के ऊपर गोली भी चला दी। वहीं भागलपुर जिला के SBI CSP कर्मी से 4 लाख रुपए लूट लिए। तो दोस्तों, आज का न्यूज बस यहीं तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज, जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हमारे KDB लाइव पर तो नीचे रेड कलर का बटन होगा वहां पर क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जय हिंद।